Hey guys welcome or welcome back to my channel so this channel is iconic survi and i am your survi so i am back again with smitten haul yes i have two parcels as usual and i will be unboxing of these यू नो पार्सल्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ दी टीन टीन के मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करो तो वैसे तो टीन टीन ब्रांड का मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है एंड ये ब्रांड का नाम भी मुझे ऐसा ही थोड़ा सा चीपेस्ट टाइप लगता है तो फिर आ, मुझे समझ नहीं आता ज़्यादा बट हाँ मैंने फिर अमेजोन पर सर्च किए थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इनके प्रोडक्ट्स भी दो से लेके तीन की रेंज में अवेलेबल है एंड स्वि ब्यूटी मार्स ये सब तो यार आपको मिल जाएंगे दो सौ तीन सौ में बट फिर भी स्मिटिन पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में वो आपको टू थ्री और समटाइम्स फोर और फाइव ट्रायल पॉइंट्स में अवेलेबल थे तो आप लोगों को लगता है कि दो सौ रुपये में जहाँ हम एक प्रोडक्ट बाय करेंगे वहाँ हमें दो तीन प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो देखते हैं कि Uh, कम रेंज में इन प्रोडक्ट्स को स्मिटिन के ट्रायल पॉइंट से लेने में कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है तो आज मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगी और साथ में रिव्यू भी करूँगी कि ये प्रोडक्ट्स मुझे फ़र्स्ट इम्प्रेशन में कैसे लगे आई मीन आई विल नॉट अप्लाइंग ऑन माई फेस मैं फेस uh, पे तो नहीं लगाऊंगी बट हाँ आपको बताती जाऊँगी कि ये ऑन एंड ऑन की मुझे कैसे लगे तो ठीक है जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बाय हिटिंग दैट रेड बटन एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कई सारे मेकअप ब्यूटी रिलेटेड हॉल्स वीडियोस होम डेकोर ये सब देखने को मिल जाएगा हर कैटेगरी से मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड ऑल ऑफ दैट सो so, उसके लिए अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड कंजूसी मत करना बिल्कुल भी और कॉमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करना ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सच टाइम लेट्स गो द कॉन् टेज वन मोर थिंग इज़ की आपको मेरा बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा बिल्कुल भी कोई ऐसा ह्यूज मेजर चेंज नहीं है बस मैंने अपना कैमरे का पोजिशन थोड़ा सा चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे यहाँ ऊपर जो बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एक रॉड है ना वो फ्यूज़ हो गई है और बिल्कुल भी यू you नो know, लाइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो सामने से ही जो लाइट आ रही है वही मेरे फेस पे और वीडियो में आपको दिखाई दे रही है यानी इधर जो है तो है मेरी यहाँ पे लाइक आर्टिफिशियल लाइट है जिसे आप uh, कहते हो कि रिंग लाइट है तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो आई हैव दीज टू बॉक्सेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस में मैंने क्या प्रोडक्ट्स मंगाए हैं नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस बॉक्स सो इस बॉक्स में मैंने uh, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं लाइक like, लुक दैट काफी अच्छे अच्छे यू नो ह्यूज प्रोडक्ट्स है लाइक फुल प्रोडक्ट्स हैं एंड ये कुछ मुझे पड़ा था टू फिफ्टी रुपीज़ का जब वहाँ पे ट्रायल पास चल रहा था जो कि आप एक्टिवेट कर सकते थे सेवनटीन सॉरी फोर्टीन रुपीज़ में तो वहाँ पे आपका जो टू uh, फोटी नाइन रुपीज़ का बिल बन रहा था एंड सी ओ टी पे मंगाओगे तो थ्री हंड्रेड का पड़ रहा था तो मुझे ये टू फिफ्टी का पड़ा है ठीक है एंड सी ओ टी पे करते हो तो थ्री हंड्रेड का पड़ जाता है फिफ्टी वन रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लग गए तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया था ये कॉफ़ी फेस स्क्रब एनी हंड्रेड ग्राम का प्रोडक्ट है आई थिंक ये टू ट्रायल पॉइंट में अवेलेबल था आई I... नॉट रिमेम्बर लाइक प्रॉपरली कितने ट्रायल पॉइंट में था बट आपको यहाँ पर जब साइड में पिक्चर मिल जाएगी तो उसमें आप नीचे देख लेना कि कौन से प्रोडक्ट कितने ट्रायल पॉइंट में था तो दिस इज लाइक दैट आप देख सकते हो अच्छे से ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का कॉफी फेस स्क्रब है फॉर स्मूदिंग ग्लोइंग स्किन ये फाइट्स करता है डर्ट से एंड इम्प्योरिटीज से एंड ये सल्फेट एंड पैरबिन फ्री है एंड इसकी जो एक्सपायरी है ना वो 2024 में ही लाइक अभी ही मार्च में है लाइक हम इसे सिर्फ केवल मार्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी एक ही मंथ बचा है मार्च आने वाला है तो मुझे समझ नहीं आया इन्होंने ये आ, एक्सपायर प्रोडक्ट सेंड कर दिया या फिर ये इसीलिए इतने बड़े प्रोडक्ट को सिर्फ टू ट्रायल या वन ट्रायल में अवेलेबल करा रहे हैं कि इनका जो स्टॉक है वो एक्सपायर होने वाला है तो ये चीज़ मुझे कभी कभार स्मिटन की अच्छी नहीं लगती है लाइक ये हमेशा ऐसा ही करते हैं एंड अब पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी सो तो वैसे अगर मैं इसकी टेक्स्चर की बात करूँ तो टेक्स्चर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला है ना तो मुझे इसका Uh, जो फेस वॉश का जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी रानी सा लग रहा है ये लिपस्टिक का स्टेन है सॉरी तो इसको इग्नोर करना uh, ये जो है आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ मुझे टेक्स्चर लग रहा है ओके सो समझ तो नहीं आ रहा मुझे एंड कोई ऐसी बैड स्मेल तो नहीं है जस्ट चॉकलेट और कॉफ़ी की बहुत माइल्ड uh, सी स्मेल है इतनी भी ओवरपावरिंग नहीं है एंड ग्रैनुल्स भी काफ़ी सही हैं तो देखते हैं कि ये कैसा वर्क करती है लाइक like ये फेस uh, स्क्रब कैसा वर्क करता है तो मैं इसका रिव्यू आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगी ओके देन उसके बाद मैंने ट्राई किया था वहाँ से ये फिगारो uh, का बेबी बॉडी लोशन एंड इट आई वॉट इट इन वन ट्रायल पॉइंट ये फिगारो का बेबी बॉडी लोशन है फिगारो का वहाँ पे एक बेबी मसाज ऑयल भी आया था बट उस टाइम भी मेरा ऐसा कोई पर्पज़ uh, नहीं था कि मैं बॉक्सिस ऑर्डर करूंगी या टीन टीन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट्स बट आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया इन कोई हॉल भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया था तो मैंने सोचा आप लोग के रिव्यू के लिए चलो कर ही देते हैं और बाय द वे ये सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है मे बी इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने फ्री अप पेज पर पे अपलोड करूंगी और वो भी जब रुपीज़ में हो जाएगा तब करूँगी क्योंकि कॉइन्स uh, में मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता है और मैं भी इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट थोड़े बहुत करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत यू नो बैकअप चाहिए लाइक पूरा प्रॉपर ना मिल सके तो कुछ तो मुझे पैसे वापस मिले लाइक हंड्रेड रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट या टू हंड्रेड में मैं वहां पे डाल दूंगी तो अगर आपको कोई परचेस करना हो तो आप वहां से कर लेना और ज़रूरी नहीं है कि टीन टीन के ही प्रोडक्ट्स और भी मेरे पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं तो वो मैं वहां पे अवेलेबल कर दूंगी लाइक शुगर के एंड ऑल ऑफ दैट तो जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे मैं डाल दूंगी बेस मेकअप में मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है आप लोग बहुत पूछते हो कि बेस मेकअप में जैसे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट आपके पास और है फिलहाल अभी तो नहीं है जब भी होगा आई विल अपडेट यू ओके एंड बॉडी लोशन है ये तो गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑलिव ऑयल इन रिचड विद वाइटामिन ई हंड्रेड एम का बॉडी लोशन है फिकारो का एंड uh, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग दिया है लाइक लुके दैट इतना बड़ा बॉटल आपको मिल जाएगा एंड इसको मैंने जरा सा लगा के देखा था इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है बिल्कुल जैसे इसका ऑलिव uh, ऑयल का स्मेल नहीं आता है बिल्कुल वैसा स्मेल है हल्का सा और बहुत ही नरिशमेंट देने वाला है तो ये बॉडी लोशन तो मैं अपने ही यूज़ में ला ख़त्म कर दूँगी बेबी तो कोई नहीं है हमारे यहाँ पे और बॉडी लोशंस तो किसी के भी बॉडी पे ईजिली यूज़ हो जाते हैं ओके okay? सो so, ये बॉडी लोशन आप ले सकते हो जस्ट इन वन ट्रायल पॉइंट इसके अलावा मैंने कुछ वहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे जो कि टीन टीन से भी किए थे और जेनी ब्रांड एक ऐड हुई है वहाँ पे उससे भी किए थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये पहले टीन टीन के ही दिखा देती हूँ Uh, ये मैंने ट्राई किया है टीन टीन का मिर्कल कूल ब्लैक टू इन वन मस्कारा एंड आई लाइनर इफ़ यू कैन सी दैट प्रॉपरली ओके दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग एंड ये मस्कारा है एंड इसमें आपको टू एम एल प्लस फाइव एम एल की नेट क्वान्टिटी मिल जाती है टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ का कॉस्ट करता है इस पूरे बॉक्स के लिए मैंने टू फिफ्टी रुपीज़ पे किए बट इसमें जो बॉक्स में जो प्रोडक्ट्स है अगर मैं उसकी रियल एम आर पी लाइक टोट इन टोटेलिटी में करके देखूँ तो ये मुझे ग्यारह सौ रुपये के प्रोडक्ट्स साढ़े तेरह सौ रुपए के प्रोडक्ट्स मिल गए तो साढ़े तेरह सौ रुपए के प्रोडक्ट मुझे जस्ट टू फिफ्टी रुपीज़ में मिल गए यानी कि ग्यारह सौ रुपए बच गए मेरे तो इस तरीके से आउटर पैकेजिंग है इसकी टीन टीन के टू इन वन प्रोडक्ट की लाइक इट हैज़ वन साइडेड इट हैज़ मस्कारा एंड दूसरी साइड इसके पास आई लाइनर है सो so, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ uh, ये वाला साइड ये कौन सा साइड है यार ओके सो इट इज़ लाइनर लाइनर वाला साइड एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कितना भी फाइन आप लाइनर ड्रॉ कर सकते हो कितना भी uh, अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो जिनको uh, बिगनर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है काफ़ी प्रिसाइजली आप लाइनर ड्रॉ कर पाओगे विच इज़ अ गुड थिंग एक लाइनर में हम यही देखते हैं एंड इसके बाद सेकेंड चीज़ देखते हैं कि ये कितनी आपकी देर आपके आई इस स्टे करता है वो लाइक वाटर प्रूफ है कि नहीं स्मज प्रूफ है कि नहीं तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं देन वी विल लाइक वी विल गॉट अ रिजल्ट ओके सो इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ देन नेक्स्ट हम uh, देखते हैं मस्कारा ओके सो इसका मस्कारे का जो वॉन्ड है वो कुछ इस तरीके का है सबसे पहले आप देखो ओके सो दिस इज जस्ट लाइक अ व्ड एंड ये कैसे कॉल लैशेस पे लगता है कैसे करता है वो मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने पहले से ही अपने लैशेस कर्ल कर रखी हैं like, लाइक वो मस्कारा लगा रखा है यार क्या हो गया सुरभि तेरे को मस्कारा मैंने लगा रखा है ओके okay? बट एक बात बोलूँ इसकी जो स्मेल है ना प्रोडक्ट की विच इज़ लाइक बिल्कुल गंदी वाली स्मेल जैसे चीप प्रोडक्ट्स में स्मेल नहीं आती है ना बिल्कुल वो स्मेल है इसकी मस्कारा में अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है विच इज़ नॉट टॉल टॉललेबल लेकिन आप टॉलरेट नहीं कर सकते इतनी गंदी स्मेल आ रही है तो मुझे नहीं समझ आ रहा इसीलिए मैं मना करती हूँ इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ ऐसे चीपेस्ट ब्रांड्स को क्योंकि स्मेल से भी कभी कभी पता चल जाता है कि क्या इंग्रीडियंट्स एंड चीज़ें यूज़ हुई हैं एंड वो हमारे यू नो स्किन के लिए अच्छी हैं भी या नहीं है तो ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है टू नाइन्टी नाइन नाएं रुपीज़ का एक कॉस्ट करता है आप इसको ले सकते हो बाय द वे इसका मैंने प्राइस बताना भूल गई ये भी टू नाइन्टी नाइन नाएं रुपीज़ का फेस स्क्रब था एंड ये हंड्रेड एम एल का फिगारो बेबी ऑयल सॉरी बॉडी लोशन है वो वन फिफ्टी नाइन रुपीज़ का है ओके okay, एंड इसकी एक्सपायरी जो है वो आई थिंक ट्वेंटी फोर मंथ्स आफ्टर मैनुफैक्चरिंग डेट है विच इज़ सेप्टेमेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में ये मैनुफैक्चर हुई है उसके आफ्टर यानी कि अभी ये टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एक्सपायर हो जाएगा सेप्टेम्बर में उससे पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँगी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये टीन टीन का आईब्रो पेंसिल एंड दिस इज़ लुक्स लाइक दैट वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो इन्जॉय ही करना क्योंकि आप लोग ये वीडियो ही देखना चाहते थे ऑब्वियसली सो दिस इज़ द टीन टीन का आई पेंसिल आईब्रो पेंसिल और आईब्रो पेंसिल मुझे एक्चुअली में चाहिए भी था ये जो कॉस्ट करता है आपको um, कॉस्ट करता है वन नाइनटी नाइन रुपीज़ एंड ये टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन में एट्थ मंथ में एक्सपायर होगा विच इज़ अ वेरी गुड थिंग क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग है एंड प्रोडक्ट अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एंड प्रोडक्ट इज लुकिंग ग्रेट मतलब पैकेजिंग को तो मैं बोलूँगी कि ठीक है इतने प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा है एंड इसकी जो स्पूली दी है ना इट इज़ अनाद अ ग्रेट थिंग स्पूली भी मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसे आईब्रो को यू you नो know, शेप देने के लिए और कॉम करने के लिए तो इस इट इज़ गुड इसमें स्पूली दी है एंड दूसरी साइड पे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा सो इट इज़ द प्रोडक्ट इतना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है एंड आई एम इन द शेड ब्राउन वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बात में अवेलेबल हुई थी बट मैंने ये ब्राउन ली एंड मैं इसको अगर अपने हैंड पर स्वेच कर रही हूँ ना तो ये इतनी ईजिली स्वेच नहीं हो रही है प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत घिसना पड़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि आईब्रो पेंसिल कभी ऐसी भी आती है मैंने कब भी यूज़ नहीं किया आईब्रो पेंसिल ये फर्स्ट आईब्रो पेंसिल है विच आई विल यूज़ एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे यूज़ होगी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल पत्थर हो चुका है लाइक like स्टोन तो मुझे नहीं पता अभी ऐसा ही आईब्रो पेंसिल आता है इसका तो यही क्वालिटी पे डिपेंड करता है I mean, आई मीन आईब्रो पेंसिल थोड़ी तो चलेगी ना बिल्कुल भी एकदम ऐसे पत्थर बन के नहीं आएगी ना जो आप घिस ना सको आईब्रो पे तो इस तरीके का ये कुछ प्रोडक्ट है आईब्रो पेंसिल मुझे समझ नहीं आई बाय द वे पैकेजिंग एंड ऑल दैट सब कुछ अच्छा है बट प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम हो और प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करना है तो फिर क्या ही बात बनती है उसको लेने का तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लास्ट प्रोडक्ट इस बॉक्स का एंड विच इज़ द जेनी का मस्कारा सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारे पास ये जेनी ब्रांड का मस्कारा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि मैं जो भी नए ब्रांड का नाम सुनती हूँ ना जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डाउट करने वाला ब्रांड या प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ एंड आपको भी करना चाहिए इट इज़ जस्ट लाइक अवेयरनेस क्योंकि चाहे मेकअप हो चाहे स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट हो लाइक like, जो भी हम ऐसे यूज़ करते हैं वो सारा हमारे डायरेक्टली फेस के स्किन के कांटेक्ट में आता है ओके okay? आइज़ के कांटेक्ट में आता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लीज़ ब्रांड को चेक कर लेना चाहिए इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेना चाहिए आई नो कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है तभी हम रिव्यू करते हैं तभी हम चीज़ों को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल के आपको भी पढ़ना चाहिए और अगर कोई कुछ कह रहा है तो प्लीज़ उसको नोटिस करो जस्ट बिकॉज थोड़े से पैसों के चक्कर में आप अपना फेस के साथ रिस्क नहीं ले सकते ऑलरेडी बहुत सारे फेस कंसर्न्स लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं अपने फेस के साथ टीन में भी कई ज़्यादा कंसर्न्स हो जाते हैं लड़कियों को तो प्लीज़ आई जस्ट वॉन्ट टू अवेयर टू यू कि आप ऐसे ही बस ये जैनी टीन टीन मुझे इसलिए नहीं पसंद है जस्ट इसको प्लीज़ थोड़ा सा यू नो हेट रेट में मत लेना तो मैंने इसके बारे में सर्च किया था गूगल पे एंड uh, मुझे ये बिल्कुल भी कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं मिली Amazon पे टीन टीन के प्रोडक्ट्स मुझे फिर भी दिख गए बट जेनी के प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन पे भी देखे थे एंड नायका और पर्पल पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट्स होंगे एंड जेनी का मैंने गूगल पे सर्च किया था बट गूगल पे मुझे कोई भी प्रोडक्ट जेनी ब्रांड से नहीं मिला और मैंने इसकी गूगल लेंस से पिक्चर भी सेम डाल के डाला लाइक like मुझे लग हो सकता है कि जैनी नाम से और भी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा हो वहाँ पे तो वहाँ पे जब मैंने इसको गूगल लेंस से सर्च किया तब भी मुझे अलग अलग ब्रांड की पैकेजिंग ऐसे मिल रही थी यहाँ पे जे किसी पे जैनी जैनी तो किसी पे लिखा ही नहीं था बस सेम पैकेजिंग थी बट यहाँ पे नाम अलग था तो ये सब फेक ब्रांड या फिर आपका ऐसे टू कॉपी करके दे देते हैं प्लीज़ मत किया करो ऐसा ओके यानी फिफ्टीन एम ml का प्रोडक्ट है थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ का ये कॉस्ट करता है ठीक है एंड एक्सपायर होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स में अब देखते हैं कि इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है फ्रॉम दी इनर साइड अगर ठीक है कोई आपको रिस्क नहीं लेना है लेकिन अगर आपको कोई भी हार्म नहीं कर रहा है तो इट्स गुड बट फिर भी ब्रांड के प्रोडक्ट ठीक रहते हैं लाइक स्विस ब्यूटी इनसाइट ब्लू हेवन ये आप अफोर्ड कर सकते हो और मैं जल्दी इनके न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करूँगी जब मेरी पेमेंट आ जाएगी बस जल्दी से पेमेंट आ जाए और इसका बॉन्ड जो है मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है वैसे एंड बाकी मैं यूज़ करके बताऊँगी हल्का सा दो तीन कोट मैं यूज़ करके देखूँगी और अगर मुझे समझ आया तो मैं रख लूँगी वरना मैं सेल कर दूँगी इसकी जो स्मेल है वो ठीक है वो नॉर्मल मस्कारा जैसी है जैसे और भी मस्काराज में आती है मैंने उसमें देखा है मेब्लिन के मस्काराज में एंड उसके ओपल का जो मेरा फेवरेट मस्कारा है उसमें भी ऐसी सेम सिमिलर स्मेल आती है बट इस वाले टीन टीन के प्रोडक्ट का मस्कारे में बहुत ही गंदी अजीब सी स्मेल थी एंड स्मेल मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि स्मेल कभी कभी वही चीज़ बताती है कि कैसे प्रो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं एंड वो सही हालत में भी हैं या नहीं है आप खाने को भी स्मेल करके ही कई बार खाते हो ना बैड स्मेल से आप खाना खा नहीं सकते तो ठीक है ये हो गए कुछ प्रोडक्ट्स फर्स्ट बॉक्स खाली हो गया नेक्स्ट सेकेंड बॉक्स में देख लेते हैं जल्दी से कि मैंने क्या लिया है तो सबसे पहले uh, मैं यही दिखा देती हूँ टीन टीन के ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं एंड जेनी के हैं एंड सबसे पहले ये है टीन टीन का सिल्की स्मूथ कंफर्टेबल आईलाइनर एंड कैट आई स्टैम्प इसके अंदर स्टैंप भी है एंड आईलाइनर भी है आईलाइनर एंड कैट आई स्टैम्प है ये टू इन वन लाइनर है आम, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखाई देती है बिल्कुल जैसे इसके आईब्रो प्रोडक्ट की थी एंड नाव अब हम देख लेते हैं कि क्या है ये कॉस्ट करता है आपको टू नाइन्टी नाइन नाएं रुपीज़ टू ग्राम का वेट है इसका एंड यू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स में एक्सपायर हो जाएगा तो इसको आप स्टैंप की तरह यूज़ कर सकते हो मुझे स्टैम्प तो कहीं मिली नहीं बट देखती हूँ ओके सो इधर मिल गया स्टैम्प तो इधर आपको स्टैम्प मिल जाएगा विच इज़ गुड मतलब ऐसे इनोवेटिंग प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं एंड इधर आपको मिल जाएगा ये स्केच ओके एंड फर्स्ट जो मैंने टीन टीन का लाइनर ये ड्रॉ किया था अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है विच इज़ अ ग्रेट थिंग अब दूसरी जगह मैं ड्रा कर रही हूँ ये वाला लाइनर ओके okay? एंड जो मैंने फर्स्ट लाइनर ड्रॉ किया था वो मैट नहीं है इसके अंदर थोड़ा सा ग्लॉसी पन है एंड जो ये वाला लाइनर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें भी थोड़ा सा ग्लॉसी पन आपको देखने को मिल जाएगा ओके okay? सो so, ये एक अच्छी चीज़ है स्टैम्प देखते हैं कैसा वर्क करती है ओह oh, स्टैम्प अच्छा वर्क कर रही है यार ओ oh, गुड आ, बिगाड़ लिया मैंने अभी तो अच्छा वर्क कर रही है यार स्टैम भी तो विच इज़ अ गुड थिंग जिनको लगाना नहीं आता वो लगा सकते हैं और मेरे तो पहले से ही आई मस्कारा सब लगा हुआ था तो मैं नहीं बता सकती अब मुझे ऐसे ही रहने दो अभी ठीक है ऐसे ही बुरे लाइनर के साथ रहने तो मैंने आप ही के सामने ख़राब किया है सो इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी मुझे काफ़ी अच्छा लगा बस ऐसे प्रोडक्ट्स ना अच्छे इन्ग्रीडियंट्स के साथ आएँ तो ऐसे तो ये तो मुझे अच्छा लगा इसको आप ट्राई कर सकते हो अब बिग थम्स अप फॉर दिस स्टैम्प आई जल्दी से जाके ट्राई कर लो ओके टू ट्रायल पॉइंट में था ये आई थिंक वहाँ पर इसके अलावा मेरे पास है टीन टीन के ये आ, कंसीलर ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये मैंने पहले ही ट्राई कर लिए थे मतलब जब आके आए थे ना तब भी खोल के देख लिया था टेन ग्राम का प्रोडक्ट है एंड एक मेरे पास इसमें शेड है टोस्टेड आमंड एंड एक मेरे पास इसमें शेड है पीनट बटर तो ज़ीरो फ़ोर ज़ीरो थ्री मेरे पास ये दो शेड है पहले मैं इसका प्राइमर डाल रही थी कार्ट में पर वो मैंने किसी और से ऑर्डर कराया था तो उसने गलती से ना दो ऐड कर दिए मतलब अलग अलग शेड के प्राइमर इसकी जगह ऐड करना चाहिए था बट चलो कोई बात नहीं टीन टीन का एक प्राइमर ही रह गया तो इसकी आउटर पैकेजिंग आपने देख ली इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है एंड लुक एट दैट पैकेजिंग इज वेरी क्लासी हाँ कहना पड़ेगा टीन टीन के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अच्छी है एंड नेट वेट जो है टेन ग्राम का है, इसकी है ये इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड ये शेड है टोस्टेड आमंड एंड ये टोस्टेड आमंड जो शेड है मैं आपको दिखाती हूँ ये जो शेड है ये डार्क स्किन टोन के लिए लाइक एट दैट जिनकी थोड़ी सी डार्क स्किन टोन होगी ना उनके लिए है ये टोस्टेड आमंड ओके सी दिस इज द टोस्टेड आमंड एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट शेड है बाय द वे ये कॉस्ट आपको करता है टू सेवेंटी नाइन रुपीज ओके okay? एंड दूसरा जो शेड है वो है पीनट बटर एंड ये पीनट बटर मेरे टाइप का शेड है दिस इज लाइक दैट ठीक है कि कुछ मेरे टाइप का शेड है मतलब मेरे स्किन टोन पे ये शेड अच्छे से जाएगा यहाँ दिखाती हूँ तो इसके कंसीलर्स तो मैं यूज़ कर लूंगी एंड जो डार्कर शेड है वो मैं से, शायद सेल कर दूँ ये है टोस्टेड आमंड और ये अच्छे से मुझे सूट करेगा लाइक मेरे स्किन टोन को मीडियम थोड़ा सा फेयर टू मीडियम में दिस इज लाइक दैट तो आप ले सकते हो ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जेनिका आई -लाइनर. ठीक है जैनिका आई लाइनर एंड मस्कारा वहाँ पे ऐड हुए थे एंड टीन टीन के आईब्रो प्रोडक्ट स्टैम्प आई लाइनर टू इन वन प्रोडक्ट एंड ये क्या बोलते हैं कंसीलर एंड प्राइमर एड हुआ था बस प्राइमर ही रह गया है जो मैं ट्राई नहीं कर पाई वो डबल शेड एड कर लिया मैंने बट इट्स ओके नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई अगर तब तक रुका तो बट प्राइमर मैंने उन लोगों की वीडियो में रिव्यू देखा है तो अच्छा बता रहे हैं आप जाके ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट जो है ये जेनी का आई लाइनर है एंड आई लाइनर एंड मस्कारा दोनों की इनर साइड की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है लाइक बिल्कुल जैसे कह सकते हो कि मैट काइंड ऑफ पैकेजिंग है एंड इसका जो यू नो प्राइस है वो भी थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ है एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स में एक्सपायर हो जाएगा नाइन एम की इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाएगी सो so, इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं बाय द वे इसमें हमने इस वीडियो में तीन आईलाइनर एंड शायद दो मस्कारा ट्राई किए हैं एक मस्कारा तो हमारे टीन टीन के डबल वाले प्रोडक्ट में आ गया था एक मस्कारा जैनी का अलग से है ओके okay? एंड uh, जो लाइनर है वो हमने तीन ट्राई किए क्योंकि एक लाइनर हमें इसमें मिला जो कि अच्छा था ग्रेट था एंड एक लाइनर हमें अलग से ट्राई किया हमने स्टैम्प आई लाइनर विच इज़ अगेन ग्रेट एंड स्टेम्प की अगर मैं बात करूँ तो स्टैम्प भी नहीं हट रही है एंड स्टैम्प आई लाइनर भी बहुत बढ़िया है लाइक like, लाइनर भी बढ़िया है स्टैंप भी बढ़िया है अब बात कर लेते हैं जैनी के आई लाइनर की तो इस वीडियो में तीन आई लाइनर हो चुके हैं दो अलग से एंड एक टू इन वन प्रोडक्ट के साथ आता है मस्कारे के साथ एंड एक तो ये जो लाइनर है वो जैनी ब्रांड का है और बाकी दो जो ट्राई किए थे मैंने पहले वो टीन टीन के हैं ओके okay? तो लाइनर तो मुझे सारे ही अच्छे लगे लेकिन इसका थोड़ा सा बॉन्ड आप देख लो सॉरी इसका ब्रश आप देख लो प्रिसाइज़ तो है लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा डैमेज है लाइक देख सकते हो आप एक इसका हेयर थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है तो वो दिक्कत कर सकता है लगाने में शायद मुझे ये ऐसा रिसीव हुआ होगा बट इट्स ओके अब इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ठीक है तैन हम मैं बताऊँगी कि क्या रहा रिव्यू तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने आज आपको दिखाए इन द मेकअप कैटेगरी बस एक वही रह गया प्राइमर और इसके बाद है मेरे पास ये ड्रीम गर्ल आई लाइनर काजल विच इज़ अगेन फ्रॉम द टीन टीन आई थिंक ये टीन टीन ब्रांड का टीन डॉट टीन ओके मुझे ये समझ नहीं आता टीन टीन और टीन डॉट टीन अलग अलग ब्रांड हैं क्या मतलब सिस्टर ब्रांड्स हैं क्या तो इसका मैं अगर जेल काजल की बात करूँ तो विच इज़ वेरी गुड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हल्का सा ग्लॉसी है ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है बहुत हल्का सा ग्लॉसी है एंड लुक इट दैट ये पर्पल कलर का मुझे बहुत पसंद आया ये अच्छे से मेकअप करने में काम आएगा एंड वहाँ पे एक गोल्डन कलर का भी था तो नेक्स्ट टाइम तक अगर रुका रहा और मैंने एक और सिमिटन बॉक्स ऑर्डर किया किसी वजह से या अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए तो मैं इसका ऑर्डर कर लूँगी एंड बाय द वे ये वाला पर्पल शेड आपको स्मिटन uh, के बर्क सेक्शन में भी मिल जाएगा और ये मैंने बर्क सेक्शन में ही ऑर्डर किया था लाइक वर्क सेक्शन से ही मैंने इसको ऑर्डर किया था फिफ्टी बर्ग का ही आपको इजिली वहाँ मिल जाएगा तो वहाँ पर जाके जल्दी से ले लो टू थ्री क्वान्टिटीज़ कर लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका गोल्डन वाला आपको बर्ग सेक्शन में नहीं मिलेगा वो आपको ट्रायल में ही मिलेगा टू ट्रा थ्री ट्रायल का वो गोल्डन वाला है टू ट्रायल का ये वाला है तो जाके ट्राई कर सकते हो फटाफट से एंड बर्क्स हॉल भी मैं इस वीडियो के बाद आपसे शेयर करूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके बर्क्स में बर्स हॉल का जो पार्सल है वो मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ मैं अलग से शेयर करूँगी नाउ इस बॉक्स में जो लास्ट प्रोडक्ट रह गए हैं वो सबसे पहले है ये ई का लाइक like ई फी पी एच वाई का माउंटेन रेन फॉर गाइज हु आर अनफेज बाय द क्लिम ओके सो इसकी नेट क्वान्टिटी जो है वो फाइव एम एल की क्वान्टिटी है ये एक ट्रायल पॉइंट में मैंने एड सॉरी ये जीरो ट्रायल पॉइंट में मैंने एड किया था जीरो ट्रायल पॉइंट का प्रोडक्ट था तो मैंने इसका ब्लू वाला वेरियंट ट्राई किया है वो मुझे ठीक लगा काफ़ी अच्छा लगा थोड़ी सी उसकी स्मेल हार्ड है ओवर पावर कर सकती है जिनको हार्ड स्मेल नहीं पसंद है ना रेड वाले की बात कर लेते हैं तो ये ये अच्छी है स्मेल मुझे ब्लू वाले की थोड़ी ओवर पावरिंग लगी बट इन की जो पी एच वाई की जो स्मेल्स है वो थोड़ी सी हार्ड टाइप होती ही है लाइक मैंस फ्रेग्रेंस है ना ये ज़्यादातर तो इसीलिए एंड इसकी अच्छी है लाइक ब्लू वाले से मुझे रेड वाले की ज़्यादा अच्छी लगी जो दिमाग पे आपके नहीं चढ़ेगी इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है बट ब्लू वाली थोड़ी ज़्यादा हार्ड है ओके okay, तो इसको मैंने जीरो ट्रायल पॉइंट में लिया था देन उसके बाद लास्ट वन ट्रायल पॉइंट में मैंने ये मिस नेल्स की नेल पेंट ऐड की थी मेरा मन तो नहीं था बट पता नहीं क्यों ये बॉक्स मैंने uh, किसी और से ऑर्डर कराया था तो उसने जो भी प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए फिर वो ऐड हो गए थे लास्ट में टू ट्रायल एक ट्रायल पॉइंट बच रहा था तो मैंने नेल पेंट ऐड कर ली मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो है वो अगे मतलब टू टाइम्स ये ऑर्डर हो गया है अलग अलग शेड में वरना इसका थ्री ट्रायल पॉइंट इसका वन वन ट्रायल पॉइंट मिला के फोर ट्रायल पॉइंट हो जाते हैं ये दोनों प्रोडक्ट की जगह मैं प्राइमा ट्राई कर सकती थी बट एनी हाउ नहीं हो पाया तो आज का जो वीडियो है वो यहीं कंप्लीट होता है बाय द वे मैं आप आपको अपनी चॉइस बताऊं कि मुझे कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आए तो मुझे ये फेस स्क्रब अच्छा लगा आप जाके ट्राई कर सकते हो फिगारो बेबी बॉडी लोशन बस ये एक्सपायर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं होती बाकी आप देख लेना आपको क्या रिसीव हो ठीक है इसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट्स में आई लव दिस यू नो टीन ब्रांड का टू इन वन मुझे मस्कारे में तो थो थोड़ी बैड स्मेल आ रही है बट हाँ लाइनर मुझे बहुत बढ़िया लगा लाइनर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है जेनी का प्रोडक्ट का मस्कारा मैं ट्राई करके बताऊँगी एंड इसके अलावा मुझे टीन टीन का ये पोपल बहुत मज़ा आया ये बहुत अच्छी है एंड इसके अलावा मुझे इसके कंसीलर्स अच्छे लगे देन इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा मुझे टीन टीन का जो प्रोडक्ट पसंद आया स्टैम्प आई लाइनर है एंड ये वाला जेनी का जो लाइनर है मैंने अभी ड्रॉ किया था और ये भी अपनी जगह से नहीं हट रहा है ओके तो प्रोडक्ट्स अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं बस एक वो अवेयरनेस के कारण मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ा बहुत यू you नो know, आप इसको लेना चाहते हो तो जाके ईजीली ले सकते हो बट अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे से इस ब्रांड को ट्राई मत करना मतलब जो भी आपका डिसीजन होगा मैं तो पहली बार सुन रही हूँ तीन तीन ब्रांड और थोड़ा सा अजीब ही सा नाम लग रहा है बट ठीक है हो गया चलो बहुत ही ज़्यादा मैंने आज की वीडियो में इसको रोस्ट कर दिया बट तारीफ़ भी करती हूँ जहाँ चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद आए आप जाके ट्राई कर सकते हो मिस नेल्स की नेल पेंट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी वो तो मेरे पास एक ट्रायल पॉइंट था और एक ट्रायल पॉइंट में बहुत मुश्किल से ही प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं स्मिटिन पर तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैंने ये ऐड कर ली थी बट मिस नेल्स की नेल पेंट के साथ एक यही प्रॉब्लम मुझे लगती है मिस नेल्स है चाहे वो बॉन्जोर पैरिस की पता नहीं क्यों लोगों को अच्छी लगती है मुझे नहीं अच्छी लगती सॉरी इट्स टोटली माय ओपिनियन मैं किसी को हेटरेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि यार ये पिगमेंटेशन देती ही नहीं है और जब इसको रिमूव करो ना वन स्वाइप में रिमूव हो जाती हैं और यहाँ यहाँ फैल जाती हैं अजीब सी गंदी सी मिस नेल्स का ना ही तो नेल पेंट रिमूवर मैं आपको रिकमेंड करूँगी और ना ही ये नेल पेंट रिकमेंड करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं देती हूँ बिल्कुल भी लॉन्ग लास्ट नहीं करती है इस बिल्कुल पानी जैसा फम्बला है ऐसा लगता है पानी में बस कलर मिला दिया वो जो वाटर कलर्स नहीं होते वो मिला दिए सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी माई ग्लैम की एंड एक बहुत बड़ा सा बॉक्स विच इज़ स्मिटन बॉक्स हॉल ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है बट हाँ एक छोटी सी वीडियो आएगी तो अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाय द वे स्मिटिन के अलावा भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक uh, तो uh, है तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी वीडियो होने वाली है बाकी जल्दी से मेरा पेमेंट आए तो मैं और भी हॉल्स आपके लिए लेके आऊँगी या फिर और कोई वीडियोज़ रिव्यूज़ एंड मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह सारा लाती रहूंगी बीच बीच में तो इन्जॉय करिए प्लीज़ और सपोर्ट करिए एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर Bye. Be kind to yourself and to others also.